नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको अपडेट दे रहा हूँ, इस टाइम बन चुके हैं तकरीबन 3:45। मैं अभी इसी रोड से आया हूँ और ये आपका ये जो रोड है जो ब्लॉक हुआ हुआ है, आप ये देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ से मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं और यहाँ तक खाता बाग तक ये जो आपका जो प्लाजा आपको नज़र आ रहे हैं जो माल है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बैरियर लगा हुआ है और मोटरसाइकिल यहाँ से सिर्फ जा रहे हैं। गाड़ियाँ आप ये देख रहे हैं मेरे नीचे, ये जो पुल है यहाँ से गाड़ियाँ जा रहे हैं और बताया गया है, मेरी अभी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई है कि आप यहाँ से सैटेलाइट टाउन से निकल कर आप पिंडोड़ा चुंगी है, आप उस तरफ से आगे इस्लामाबाद या मुख्तलिक इलाकों में आप जा सकते हैं। मेरे साथ कुछ भाई भी हैं, आप किधर से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं आपने? हम आए हैं जी पीछे बनी से। बनी क्या पाए? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ चलो, गाड़ियाँ तो रुकी हुई हैं मगर ये चलो ट्रैफिक चलनी चाहिए, थोड़ी बहुत चलनी चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो इस टाइम निकल रहे हैं, इससे आगे मुझे बताया कि फैज़ाबाद बंद है मगर मैं देखता हूँ अब फैज़ाबाद तक जाता हूँ बंद है या नहीं बंद है, मगर सिर्फ आपको ये आगाह करना चाहता था कि 4:15 हैं, ठीक है, और आज 9 तारीख है और यहाँ से मोटरसाइकिल सिर्फ गुजर रहे हैं और यहाँ से आगे फैज़ाबाद की तरफ जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, आप आगे जाके मैं फैज़ाबाद बंद है, भाई बता रहे हैं कि खुद पीटीआई के ये जियाले हैं, वर्कर हैं या खान के सुधाई हैं, ये तो बता रहे हैं कि फैज़ाबाद आगे बंद है। मैं अब आगे जाता हूँ तो आगे से जाके आपको अपडेट देता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैंने अपनी मंजिल पर पहुँचना है, अब मिलोडी पहुँचना है इस्लामाबाद और मैं भी पहुँच सकूँ और मैं साथ साथ आपको आगे गाइड देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया कि मैंने आपको बताया था रात को, आपको सही सिचुएशन दिखाई थी कि जो शमशाबाद है यहाँ पे पीटीआई के जो कारकुन है वर्कर हैं, उन्होंने अपना जांच रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पे चुनौती लगाई हुई है। आप ये देख रहे हैं कि मैं इसका मरी रोड से आते हुए, ये आपका मरी रोड आते हुए और ये आगे बैरियर लगे हुए जो सर्विस रोड है वहाँ पे ट्रैफिक रवाना हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि मेरे इस तरफ भी जो ट्रैफिक है वो रवाना हुआ दवा है। पीटीआई के जो वर्कर है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बैरियर लगे हुए हैं और आगे रात को मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के यहाँ पे कनोपी लगी हुई, इस रोड पे भी कनोपी लगी है और उस तरफ से भी कनोपी लगी है जो इस्लामाबाद से रास्ता आ रहा है। तो मैं अब मुझे बताया गया ट्रैफिक पुलिस ने कि आप सैटेलाइट टाउन की तरफ से आप पिंडोड़ा चुंगी की तरफ आप जाएँ और आप आसानी से अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि अभी भी एहतजाज रिकॉर्ड है, ये हो रहा है मगर मरी रोड आधा तकरीबन खुला हुआ है। आप ये देखें कि ट्रैफिक चल रही है मगर यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आगे उनका धरना चल रहा है, उन्होंने कनोपी और टेंट और टायर भी जलाए हुए हैं। पीछे से आप ये देखें मरी रोड पे आते हुए ये लोग इस तरफ शमशाबाद की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से फिर आप शमशाबाद से करते करते कुछ लोग IGP रोड पर चढ़ेंगे और I-9 की तरफ अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। बहरहाल ये इस टाइम हाल है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आपको आगाही देना चाह रहा हूँ सिर्फ, ताकि जो भी फैमिली लेके आए, बुज़ुर्ग लेके आए, कुछ लोगों को इमरजेंसी है कुछ भी है, ताकि मैं उनको इसलिए वीडियो बनाऊँ ताकि वो उनको पता चल जाए कि अच्छा इस टाइम की सिचुएशन ये है। आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे PTI का जो मार्च जो आना है, जो रैली आनी है खान साहब की, इमरान खान साहब की, वो इस मुकाम से गुजरेगी और उन लोगों ने कहा है PTI के वर्कर्स ने कि जब तक खान पिंडी नहीं आते यहाँ पे नहीं आते और ये धरना और रैली और ये जो टेंट क्रोपी लगी हुई है जारी रहेगी। बहरहाल मैं आपको कहूँ और आगे PTI का जो जो रैली है या जो धरना है उन्होंने क्रोपी लगा के बंद की हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, लोगों को रास्ता बता रहे हैं कि मगर इसके साथ जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आप देखें सर्विस रोड जारी है और आप ये देख करके इस टाइम मरी रोड के से जो रास्ता आते हुए यहाँ पे जो शमशाबाद है कुछ लोग इस तरफ जा रहे हैं, शमशाबाद से करते करते आप पिंडोड़ा चुंगी पहुँचेंगे और इस्लामाबाद या जहाँ भी आपने जाना है, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, सर्विस रोड तो चल रहे हैं, ट्रैफिक जैम है मगर चल रही है सर्विस जो रोड है, ये भी शुक्र है कि थोड़ी बहुत ट्रैफिक चल रही है। आप ये देखें मेरे सामने कि इस टाइम मरी रोड से आते हुए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, आप ये देख रहे हैं काफ़ी लोग परेशान भी हैं, लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, मगर ये जो आप ये देख रहे हैं कि धरना इस समय जारी है, टायर जल रहे हैं, PTI के जो लोग हैं अपना एहतजाज रिपोर्ट ये आप देख सकते हैं कि शमशाबाद के दोनों इतराफ़ पे यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने आप वीडियो जो देख रहे हैं ये सीधी शमशाबाद और फैज़ाबाद, ठीक है, और इसी के इस तरफ भी टेंट लगा हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, धुआँ निकल रहा है, टोपी खुला हुआ है, फिर बधाई की तरफ रास्ता जा रहा है, आगे I-9 की तरफ जा रहा है और ये जो ट्रक आप ये देख रहे हैं मेरी तरफ ये आगे फैज़ाबाद की तरफ जा रहे हैं, रास्ते खुले हुए हैं, सिर्फ जो PTI का एहतजाज है वो शमशाबाद दोनों को नौकरी लगा के रास्ते बंद किए हुए हैं। अभी जगह ट्रैफिक चल रही है,
अर्बन ट्रेन का कितने काम हो रहा है। अभी टाइम भी तकरीबन 4:15 हो चुके हैं और आज 8 तारीख है 2022, 11 महीना ट्रैफिक चल रही है वहाँ दवाएँ। ठीक है जी, मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि अगर आप पिंडा की तरफ जाना चाहते हैं तो शमशाबाद रोड स्टेडियम के सामने से करते करते पिंडा ही आप जा सकते हैं, फिर आप I-9 की तरफ जा सकते हैं, आप इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं, फिर आगे आप फैजाबाद जा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये रोड खुला हुआ है, जा रहा है। परेशानी तो सबको है, हमें पता है कुछ लोग मुसाफिर भी हैं, कुछ मरीज़ भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, लेडीज़ भी हैं, मुश्किल तो सबके लिए है, मगर सिर्फ आपको आगाही देने के लिए मैं इस पॉइंट में खड़ा हूँ मैं, ताकि आपको बता सकूँ कि इस टाइम सिचुएशन क्या है। ट्रैफिक चल रही है, मरी रोड आपको बताया था कि मरी रोड आपका शमशाबाद तक खुला हुआ है, उसके बाद फिर आप रास्ता यूज़ कर सकते हैं इस्लामाबाद आने के लिए, कहीं जाने के लिए। अब गाड़ियाँ देख रही हैं भरी हुई हैं, कुछ लॉन्ग ड्राइव भी हो रही है, मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो जाए या गाड़ी हो जाए, मगर ये कि ट्रैफिक चल रही है। अब मैं I-9 की तरफ जाऊँगा सीधा और अपनी मंजिल पर पहुँचूँगा। देख रहे हैं ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल शमशाबाद से आते हुए स्टेडियम की तरफ से रास्ता आप ये देख रहे हैं कि ये पीर विधायक की तरफ रास्ता जा रहा है, ये आपका फैजाबाद की तरफ जा रहा है और ये रास्ता I-9 इस्लामाबाद की तरफ। अगर आप इस्लामाबाद में इन होना चाहते हैं तो आप IGP रोड पे आके आप ये शमशाबाद रोड क्रॉस करके आप फिर आगे आप I-9 की तरफ जाना जा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं लेडीज़ जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, आप बाइक देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, मगर एक शुक्र है कि ट्रैफिक चल रही है, कुछ एमरजेंसी के लोग भी हैं, कुछ लेडीज़ भी है, बुज़ुर्ग भी है, मुसाफिर भी हैं। आप ये देख रहे हैं कि फिर रास्ता जा रहा है। ठीक हो गया नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।